सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, अब सातवें वेतनमान का मिलेगा लाभ। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से अचल संपत्ति की बाध्यता दूर करने पर विभिन्न संगठनों के नेता प्रतिनिधियों ने की सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात और जताया आभार। दौसा में मंत्री विश्वेंद्र सिंह की कार को डंपर ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे पर्यटन मंत्री। राजस्थान बीएसपी में जोरदार हंगामा, कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का मुंह काला करके गधों पर बिठाकर घुमाया, जमकर की नारेबाजी। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह 31 अक्टूबर 2019 से अस्तित्व में आ जाएगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2019 को राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को अन्य राज्यों के समान सातवें वेतन आयोग को लागू कर सभी वित्तीय सुविधाएं दिए जाने का आश्वासन दिया था। सरकार के इस निर्णय से जम्मू कश्मीर में कार्यरत 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी से मुलाकात की। अभिजीत बैनर्जी मीडिया के सवालों पर बचते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद जब वह मीडिया से मुखातिब हुए तो एक पत्रकार के सवाल का उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने मुलाकात के समय प्रधानमंत्री के ही बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वह संवाददाताओं के फेंके जाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उन्हें पहले ही सचेत कर दिया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी बहुत सौहार्दपूर्ण और अच्छी मुलाकात हुई। यूपी के बुलंदशहर स्थित श्रीमंगला बेला भवानी मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी सरकार से कहा कि ये अराजकता है, क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक आदेश के तहत कुछ भी कर सकते हैं। अदालत ने पूछा कि राज्य में मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून क्यों नहीं है। अदालत ने कहा कि यूपी सरकार इस संबंध में कानून बनाने पर विचार करे, जिसके तहत सरकार गलत प्रबंधन के आरोपों पर मंदिर व धार्मिक संस्थाओं का मैनेजमेंट अपने अधिकार क्षेत्र में ले सके। अदालत ने सरकार से कहा कि मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के नियमन के लिए केंद्र सरकार का भी कानून है, साथ ही कई राज्यों में भी यह कानून है। जब आपके राज्य में कानून नहीं है तो आपने केंद्र सरकार के कानून को क्यों नहीं अपनाया। अदालत ने यूपी सरकार को 6 हफ्ते के अंदर यह सूचित करने के लिए कहा है कि वह कानून बना रहे हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में अयोध्या में दीपोत्सव को राज्य मेला का दर्जा सहित 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकारी धन का दुरुपयोग न हो पाए इसके लिए अयोध्या दीपोत्सव मेले में झांकी सहित सभी कार्यक्रमों का ऑडिट किया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्रीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टिक नीति प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके तहत सफाई कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित सभी कदम उठाए जाएंगे, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 652 नगर निकायों में 5 करोड़ की आबादी है। इन निकायों के भीतर 72 लाख ऑन साइट कलेक्शन होता है, जिसमें 5,560 MLD कलेक्शन आता है। अभी तक अपशिष्ट जल प्रबंधन की 3,300 MLD क्षमता है, 1,280 MLD की क्षमता विकसित की जा रही है। 2019 तक सभी प्रारंभिक व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी। 2021 तक प्रदेश के सभी निकाय इससे जोड़े जाएंगे और 2023 तक इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में अचल संपत्ति संबंधी प्रावधान को हटाने के सीएम अशोक गहलोत के फैसले का स्वर्ण समाज ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वर्ण समाज ने स्वागत किया और मुख्यमंत्री का आभार जताया। विभिन्न संगठनों, संस्थाओं एवं समाजों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और रफीक खान सहित कई जनप्रतिनिधियों ने सीएम का आभार जताया। पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह सड़क हादसे में बाल बाल बचे। उनकी कार को दौसा में एक डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे के समय विश्वेंद्र कार में सवार थे। विश्वेंद्र व उनके स्टाफ को चोट नहीं आई है।
टक्कर से कार क्षतिग्रस्त हो गई। मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर से जयपुर जा रहे थे। दौसा कलेक्ट्रेट के पास उनकी कार को पीछे चल रहे डंपर ने टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर से कार पीछे से क्षतिग्रस्त हो गई। डंपर की टक्कर से जोर का झटका लगा, लेकिन विश्वेंद्र व उनका स्टाफ बाल बाल बच गए। हादसे की सूचना मिलते ही कलेक्टर व SP मौके पर पहुंच गए। मंत्री को कलेक्ट्रेट से आई गाड़ी से रवाना किया गया। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पर्यटन मंत्री की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मंत्री के साथ 4 एस्कॉर्ट गार्ड और तमाम सुरक्षा होते हुए भी इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का अंबार लगा है। राज्य सरकार घोषणाओं पर घोषणा करती जा रही है। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल भी तय कर रखे हैं, परंतु वास्तव में धरातल पर सड़क दुर्घटनाएं इतनी होने लग गई कि आज एक कबीना मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी का दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उनकी गाड़ी को नुकसान हुआ है। एस्कॉर्ट साथ चल रही है, उसके बाद भी दुर्घटना हो जाना निश्चित तौर पर अनियंत्रित वाहनों का संचालन राजस्थान में हो रहा है। प्रदेश में बसपा पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एक और बसपा के सभी 6 के 6 विधायक पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, तो दूसरी ओर बसपा के पदाधिकारियों और बसपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर खींचतान चल रही है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम तथा प्रदेश प्रभारी सीताराम मेघवाल को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का रोष झेलना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाकर उनका मुंह काला करके उन्हें जूतों की माला पहना दी। कार्यकर्ताओं का आक्रोश यही नहीं थमा, उन्होंने उन्हें गधे पर बैठाकर घुमा दिया। रामजी गौतम और सीताराम पार्टी कार्यालय में ही थे, तभी कुछ कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए अंदर आ गए और रामजी गौतम और सीताराम का मुंह काला कर दिया और गधों पर बैठाकर उन्हें घुमाया। कार्यकर्ताओं ने इन दोनों के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने इन पर पार्टी को कमजोर करने और चुनाव में टिकट बेचने के गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी की तबीयत नासाज होने के चलते वे सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए कांग्रेस और भाजपा नेताओं का तांता लगा हुआ है। CP जोशी से मिलने पहुंचे तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके हालचाल पूछे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे और उन्होंने CP जोशी के हालचाल जाने। विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी साहब का ऑपरेशन हुआ है, तो उनके बस कुशल क्षेम पूछने के लिए हम सब लोग प्रताप सिंह खाचरियावास जी, महेश जोशी जी, भंवर सिंह भाटी जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, हम सब लोग उनका हालचाल पूछने के लिए आए। CP जोशी जी राजस्थान की विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन राजस्थान में उनकी एक विद्वान राजनेता के नाते पहचान है और दलगत राजनीति से भी ऊपर उनकी एक इमेज है, इसलिए उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो हम सबको चिंता हुई, मैं, पुष्पेंद्र सिंह जी और तमाम हमारे लोग, तो वो जल्दी स्वस्थ हों ये कामना करी है और निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ करें और जैसी वो सेवाएं क्षेत्र में और राजनीति में देते हैं वैसी देते रहें, ऐसी हमने कामना करी। उनसे मिलना, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष हमारे सब के अध्यक्ष हैं, उनको कुशल क्षेम पूछने के लिए आया हूँ और इस पर से यही कामना है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेकर अपने घर की ओर लौटें। स्थानीय निकाय प्रमुखों के लिए हाल ही में निकाली गई आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया को समता आंदोलन समिति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। समता आंदोलन समिति की तरफ से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और अन्य से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 7 नवंबर तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। दायर याचिका में समता आंदोलन समिति का तर्क है कि केंद्र सरकार ने OBC आयोग बनाया है, इसके तहत केवल वही जाति OBC में शामिल होगी जिसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। समिति का कहना है कि अभी तक राष्ट्रपति ने किसी भी जाति को अधिसूचित नहीं किया है, ऐसे में लॉटरी प्रक्रिया में OBC के लिए सीट रिजर्व नहीं हो सकती। इस पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव व अन्य को आगामी 7 नवम्बर तक जवाब पेश करने का कहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द एंगल।